कहाँ पहुँचे हैं हम? भोजनशाला। 16वीं शताब्दी में निर्मित, यानी 500 ईयर्स अगो। अच्छा, ये केले के पत्ते का ये गोल जो है ना, ये तो थाली है, मगर ये जो दिख रहा है ना, ये केले के पत्ता है। उसने वो बीच की जो वेन होती है ना केले के पत्ते में, वो भी बनाई है। और ये साइड में व्यंजन परोसे जाते थे, और ये बीच में से शायद पानी बहता था। अरे खाना भी छूट गया हमारे, चावल रखा है। चावल रखा है? हाँ, चावल छूट गया सैनिकों से। हाँ, चावल रखा है थोड़ा सा। अरविंद, खाने बैठ जाते हैं क्या? हाँ, मैं बैठ जाता हूँ यार, तू रिकॉर्ड कर। खाना खाने बैठ जाते हैं यार। बैठ जाओ। ये देखिए, हमारे जो सैनिक है ना, हाँ, खाना खा रहे हैं यहाँ पे। ये जो है ना, ये थाली है। ये थाली है, और ये जो छह ये कटोरियाँ हैं। तो हम जब ऐसा खाना खाते हैं ना, उसी साइज की थाली है, और ये कटोरियों में शायद सब्जियाँ और दाल जो होती है लिक्विड और सेमी सॉलिड, दो तीन तरह के सब्जियाँ, दाल, सब कुछ मीठा। और थाली में पता नहीं क्या परोसा जाता था, शायद चपाती, और पता नहीं उस समय चपातियाँ होती थी या नहीं यार। चावल तो होता होगा यार। पता नहीं यार, ऐसे ही था या कुछ बैठने के लिए रखा जाता था। खा ले थोड़ा, खाना खा ले राकेश। खा लूँ? ये कौन सी सब्जी खा रहा हूँ मैं? ये आलू की सब्जी है यार। सही है, देखिए पत्थर, देखिए पत्थर का स्वाद लिया राकेश ने। पिछले जन्म में शायद मैं सैनिक होऊंगा यार, इधर ही आया होऊंगा और उसी जगह पे बैठा। तेरे चलते कश्मीर देवराय हार गया था यार। हाँ, वो बोल नहीं सकते। नहीं यार, मैं बहादुर सैनिक होऊंगा यार उस समय में। ये इसके कारण ही ये लोग हार गए थे यार, नहीं तो हम्पी और अच्छा बनता था। तालीकोट की लड़ाई, तालीकोट के टाइम पे ना। मैं कभी कभी सोचता हूँ, अगर उस समय सभी जो इस्लामिक सल्तनेट्स थे उस समय के, जो बीदर, गोलकुंडा, आदिल शाह, अगर एक होके कृष्णदेवराय पे चढ़ाई ना करते, और कृष्णदेवराय ना, यानी कृष्णदेवराय नहीं था उस समय, तो रामराय था शायद, रामराय। हाँ, हाँ, तो वो अगर हारता नहीं तो शायद, मुझे लगता है विजयनगर कुड हैव रूल्ड मेजर पार्ट ऑफ इंडिया यार। ठीक है, तू उस टाइम पे सैनिक था, मुझे सुन के बहुत बुरा लगा। ऐसे सैनिक के कारण भी वो हारा था। हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये पुराने जन्म में अशोका था यार। हाँ, जगह जगह जो इंस्क्रिप्शन दिखाई देते हैं ना इंडिया में, पिलर्स पे, पत्थरों पे, वो इसी ने कमीशन करवाए थे, मतलब। तो ये जरूर अशोका होगा, क्योंकि सांची के स्तूप में एक अशोका का एक स्कल्पचर है छोटा सा, वो इसी की तरह दिखता है। आप लोगों को दिखाऊंगा। अब तो सांची जाना पड़ेगा भाई। ये बहुत ही फेमस मूर्ति है, लक्ष्मी नरसिम्हा स्टैचू। हम लोग अभी हैं, एक्चुअल में इसको बोला जाता था लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल, ठीक है, लेकिन इसका अभी नाम हो गया है उग्र नरसिम्हा टेम्पल। तो ये जो पहले था ना, यहाँ पे लक्ष्मी का, लक्ष्मी को गोद में बिठा के यहाँ पे इसकी मूर्ति थी पहले। एक्चुअल में लक्ष्मी और नरसिम्हा ही कभी भी साथ में रहते हैं। तो जब यहाँ से इन्होंने खंडित कर दिया इसको, तब कहा, बोला जाता है कि, मतलब लोग मानने वाले मानते हैं कि पहले ये जो ये था हसमुख था पहले, ये मूर्ति पहले खुशी में रहती थी। ओके, जब इसका लक्ष्मी का विग्रह यहाँ से तोड़ के लेकर निकाल दिया गया, तब इसने अपना उग्र अवतार पत्थर पे अपने आप आया बोलते हैं, इसलिए इसका नाम उग्र नरसिम्हा बोल के रखा गया है। नरसिम्हा भगवान यूजुअली इज एसोसिएटेड विद द स्लेइंग ऑफ द डीमन हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप को है ना वरदान था कि वो ना दिन में मरेगा, ना रात में मरेगा, ना ऊपर मरेगा, ना नीचे मरेगा, ना आकाश में मरेगा, ना पाताल में, ना जमीन पर। तो विष्णु को है ना नरसिम्हा अवतार लेना पड़ा, जो आधा पशु है, आधा मनुष्य है, और शाम के समय उसका वध करना पड़ा, जब ना दिन होता है ना रात होती है, और उनकी गोदी में, कभी भी लक्ष्मी रहती है, हाँ, गोदी में, जांग पे, जांग पे उसको, उसके, उसका पेट फाड़ दिया, अपने, था। अपने नखों से। और उस वक्त ना सूर्य था, ना चंद्र था, हाँ, शाम का समय था, शाम का मतलब था बोलते पूरे धग, हाँ, शाम का समय था वो। तो आशीर्वाद है भाई। हाँ, पागल बना दिया।
और घर में उसके बेटा दे दिया ऐसा वाला। हाँ, जो विष्णु का भक्त था प्रहलाद, क्योंकि लक्ष्मी नरसिम्हा कभी भी ऐसे ही आता है। हाँ, और एक खंडित मूर्ति, इसलिए इसकी पूजा नहीं होती, नहीं तो इसकी पूजा होती थी मालूम। ये शायद बैटल ऑफ तालिकोटा के बाद ही खंडित हुई है। हाँ, कहीं लिखा तो होगा ना इसके बारे में, यहाँ पे भी इंस्क्रिप्शन है, देखें यहाँ पे है यहाँ बाजू में। हाँ, इंस्क्रिप्शन है ना। हाँ, इसके बारे डिटेल भी दी है, पढ़ के आता हूँ। The figure of Narasimha is set within an architectural frame consisting of seated lions at the base. The seated figure of his consort Lakshmi on his left lap is missing. Face 2 has been damaged. Okay, तो पीछे से है ना लक्ष्मी का हाथ दिखता है, तो उसी से पता चलता है कि यहाँ पर लक्ष्मी थी, तो उग्र नरसिम्हा नहीं है। लोगों को लगता है कि उग्र नरसिम्हा है, मगर जब वो, क्योंकि वो डैमेज होने की वजह से चेहरा वैसा हो गया है, मगर ये उग्र अवतार में नहीं है, दिख तो ऐसी रहे ना। दिस लिंगा इज कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक एंड ऑल 12 मंथ्स ऑफ द ईयर। ये है कृष्णा टेम्पल, इसे कमीशन किया था कृष्णदेव राय ने ऑलमोस्ट 500 ईयर्स अगो। और ये टेम्पल की स्पेशलिटी ये है कि इसके गर्भगृह में मोस्ट टेम्पल जो है ना हम्पी के, वो खंडित है। वहाँ की जो गर्भगृह में जो मूर्ति थी ना, वो खंडित है, मगर ये टेम्पल की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ की जो मूर्ति है ना, वो खंडित तो की गई है, मगर मोस्ट टेम्पल्स में जो मूर्तियाँ मिली नहीं, मगर इस टेम्पल की मूर्ति मिली है। मगर वो उस समय के जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था ना, जो अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उन्होंने जाके चेन्नई के म्यूजियम में रखी है, अगर देखना है तो वहाँ जाके देखनी पड़ेगी। मगर हम्पी के जो आपके जो लोग हैं यहाँ के जो मेंटेनेंस की मांग है, उनकी मांग है कि फिर से बिठाएंगे, फिर से स्थापित करेंगे मूर्ति को, मगर अभी तक मान्य नहीं हुई गवर्नमेंट की तरफ से। एक पुराना इंस्क्रिप्शन है और एक दिख रहा है ना। मगर उसका ये भी देखना, तो नहीं वो तो देखो ऐसा है ना, मगर क्या था ना, नीचे वो सपोर्ट लगा देते, सपोर्ट खत्म हो गया। अरे बाप रे, ये विष्णु के 10 अवतार हैं, ज्यादा ऊपर देख खरगोश बनाया है, दिख रहा है खरगोश है बीच में। कौन सा खरगोश है इसमें बीच में, लाल कलर भी दिख रहा है तेरे, गिरा नहीं रहे हो, खरगोश है, कान देखना उसके। हाँ, ये कृष्णदेव राय ने कमीशन किया था आफ्टर हिज विन ओवर द किंगडम ऑफ ओरिसा, जो अब जो ओरिसा है ना, उस समय कलिंग कहा जाता था अशोक के समय से। तो जब कलिंग के राजा को कृष्णदेव राय ने हराया ना, तो उसने फिर विक्ट्री के सेलिब्रेट करने के लिए अपनी जो जीत थी विजय बना के उसने ऐसे जैसे बनाया, उसने विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए उसे लगा कि कोई मॉन्यूमेंट बनानी चाहिए जो अनंत काल तक टिके। तो उसने ये कृष्ण मंदिर कमीशन किया बनाने के लिए, और इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल्स, और बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में है ना, और अ लार्ज एरिया। उस टाइम कौन सी मोदी सरकार थी, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जो हमारे बना देते नहीं, ये जो उस समय ना वॉर इंडेमनिटी बोलते हैं, तो जिस राज्य को आप हराते थे ना, उससे आप पैसा वसूल करते थे। हाँ, उसे वॉर इंडेमनिटी बोलते हैं, तो वो पैसे से बना सकते हैं। नहीं, मैं जगह की बात कर रहा हूँ। हाँ, हाँ जगह तो किंगडम ही उसी का है यार, वो तो कुछ भी ऑब्वियस। कृष्णदेव राय के समय में हम्पी का जितना डेवलपमेंट हुआ ना, वो उतना किसी और राजा के इसमें नहीं हुआ। हम्पी को उसने ऊंचाई जो दी उस समय, डेवलपमेंट जो दिया ना, हाँ उस समय हम्पी इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज, जो हम कल भी बात कर रहे थे, वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज। बहुत लोग कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट कि इट वाज द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड आफ्टर बीजिंग चाइना उस समय। गर्भगृह बंद है, मगर शायद अंदर देख झांक सकते हैं, अंदर झांकें।
यहाँ पर मूर्ति थी वो। कितना अंधेरा यार, मारना अंदर। हाँ कुछ कुछ दिख रहा है, नहीं देख सकते यार। यहाँ पर बहुत सारे बैट्स जो उल्टे लटके हुए हैं, पता नहीं कैमरे में कितने आएंगे। बहुत सारे बैट्स हैं लटके हुए। जो लक्ष्मी, हाँ इसमें ये लक्ष्मी नरसिम्हा नहीं है, मगर ये भी ये जो होता है ना प्लेटफॉर्म, इससे पता चलता है कि वो उग्र रूप में नहीं है। इसमें लक्ष्मी नहीं है, मगर यही देख के एएसआई ने बाद में वो जो बड़ी मूर्ति है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया है। ब्यूटीफुल है ना, वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल। क्या ये बात सही नहीं है कि आपने रेल विभाग मांगा था? नहीं मांगा था तो नहीं मिलेगा। चल ये जो लालू ने बोला था ना ममता बनर्जी को, क्या बोला था? क्या ये बात सही नहीं है कि आपने रेल विभाग मांगा था? हाँ हमको रेल का जरूरत नहीं है। हाँ नहीं है तो नहीं मिलेगा। चल गरुड़ गरुड़ दिख रहा है, ऐसे पहचानना, ऐसा होता है चोंच। वो देख यार बंदर यार वहाँ पे, वो तो वहाँ पे हाँ लंगूर है, बहुत सारे लंगूर है क्या वो? हाँ कैसा पहचाना, काला मुंह होता है और बड़े होते हैं बंदर से, और दुम बहुत बड़ी होती है उनकी। ये जो सैंडस्टोन होता है ना, ये उतना अच्छा नहीं है स्कल्पचर के लिए। बादामी में भी यही है, बादामी आयहोले पट्टदकल में भी सैंडस्टोन ही है। वो जो ब्लैक स्टोन होता है ना वो ज़्यादा डेंस होता है, तो वहाँ से वो स्कल्पचर्स बहुत अच्छे निखर के आते हैं। तो हाँ जो होयसला डायनेस्टी के जो सेंटर्स हैं ना बेलूर हलेबीडू, तो वहाँ पर ब्लैक स्टोन यूज हुआ है। वहाँ के मंदिर बहुत ऑर्नामेंटल, बहुत डिटेल में काम करते हैं। तो नेकलेस के एक एक ये बना सकता है, परत बना सकता है उसमें ब्लैक स्टोन में, जो यहाँ नहीं बनेगा। डिटेलिंग के लिए ब्लैक स्टोन, ब्लैक स्टोन चाहिए। यहाँ पर ओवरऑल तेरे को फिगर बना सकता है तू, मगर डिटेलिंग के लिए ब्लैक स्टोन चाहिए। मगर ये जो लोकली अवेलेबल स्टोन है वो यूज़ करेंगे ना, वो तो बात है। कृष्णा बाजार अंत हेळि मार्केट ಇದೆ ಇದು ಕೃಷ್ಣಾ ಬಜಾರ್ ಅಲ್ಲ ಹಾ ಸರ್ ಕೃಷ್ಣಾ ಬಜಾರ್ ಸರ್ ಯಾನಿ ಓಲ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಕಾ ಓಲ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಕಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೈ ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತರಕಾರಿ ಹರ್ ಚೀಸ್ ಈ ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ತರಕಾರಿ ಬಟ್ಟೆ ಮನೋರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಇದೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ತಿರುಗಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಆ ತರ ಹೆಸರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಈ ಉಸ್ ಜಮಾನೆ ಕಾ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಹೈ ಮಾತುಂಗಾ ಹಿಲ್ ದಿಖಾನಾ ವಾ ಹಾಂ ವೋ ಜೋ ಹಿಲ್ ಹೈ ಪೀಚೆ ये वाला हिल जो दिख रहा है ना, उस हिल पे हम शाम को चढ़ेंगे। वो है वन ऑफ द बेस्ट सनसेट और सनराइज़ पॉइंट्स हैं, तो हम लोग वहाँ से सनसेट देखने का ट्राई करेंगे। स्काई तो ओवरकास्ट है, मुझे नहीं लगता कि सनसेट दिखेगा, मगर लेट अस ट्राई एंड होप फॉर द बेस्ट। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट व्यूज ऑफ हम्पी। दिस यानी उस टेम उस हिल के ऊपर से ये तो व्यू है यहाँ के मार्केट का, आपको आगे चल के दिखाता हूँ। सी ये जो पिलर्स हैं, बिटवीन टू पिलर्स देर इज़ वन शॉप, और ये जो है ना दिस इज़ द मार्केट यार्ड उस ज़माने का, 500 ईयर्स अगो। तो वहाँ तब के वो लोग तिरुपति को बहुत मानते थे, तो वहाँ पे जाके अपना दक्षिणा तो नहीं डाल सकते वो लोग, तो शाम में क्या करते थे जो भी उनके मन में आता था ना वो यहाँ पे अपना दक्षिणा देके जाते थे, और साल में एक बार जाके वहाँ से ईद में जाके उसको दान दे देते थे, तो इसलिए उसका नाम तिरुपति हंडी हुंडी बोल के रखा। ओह नाइस। ಆಯಡ ಗಣೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಒಂದು ರಾಜ ಕುಟುಂಬವರಿಗೆ ಸರ್ ಇದು ಬಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಗಣೇಶ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂತ ಇದಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಗಣೇಶನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಇದು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಗಣೇಶ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸಭಿ ಲೋಗೋನೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕಿಯಾ ಹೈ ಜೋ ಯಹಾಂ ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಥೆ ಉಸ್ ಜಮಾನೆ ಮೇ ಯೇ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಗಿಲ್ಡ್ ಓಕೆ ತೋ ಉನ್ಹೋನೆ ಬನ್ ಕೆ ಬನಾ ಹೈ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಗಣೇಶ. तो हम लोग जाके देखते हैं सासवे कालू गणेशा। ये है हम्पी का मैप, ये बहुत जगह हम्पी का मैप दर्शाया हुआ है, मगर इससे ज़्यादा कुछ प्रैक्टिकली पता नहीं चलता है, आपको गाइड लेना ही पड़ेगा। और ये है सासवे कालू गणेशा, ये जो आपको दिख रहा है अटॉप दिस हिल अंडर दैट मंटपा। और ये खंडित भी नहीं है यार। हाँ खंडित तो नहीं लग रहा है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल इंटैक्ट स्ट्रक्चर्स इन हम्पी।
करीब से जाके दिखाना पड़ेगा अपने व्यूअर्स को। और ये हेमकुटा हिल जो हम कल गए थे, हाँ याद है ना, हाँ हाँ ये भी अच्छा सनसेट पॉइंट है। वाओ, आगे नहीं जा सकते। इसको भाई बोला बंद है, ये जो है शाश्वत काड़ू गणेशा, गणेशा का जो स्टमक तो वेस्ट है, वेस्ट वेस्ट पर दिखाओ ना यहाँ से, और ये जो है इसको बोलते हैं वेस्ट उस पे है ना, आप लोग एक नाग देख सकते हैं, अ कोबरा, वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, पीछे से भी देखते हैं, चलो साइड से तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ना। ये पार्वती और गणेश मिलके एक मूर्ति है, तो पीछे से है ना ये पार्वती का पीछे का भाग दिख रहा है, जुड़ा दिख रहा है बालों में, और जो स्ट्रक्चर तुझे दिख रहा है वो इट इज़ अ वुमन्स बॉडी है ना, तो पीछे से पार्वती है, आगे से गणेश है, तो पार्वती गणेश की मूर्ति है, ये दिख रहा है ना, ब्यूटीफुल। जो मूर्ति है बहुत ही पुरानी मूर्ति है, अराउंड 500 ईयर्स ओल्ड, और यहाँ जो मंडप आप देख रहे हैं ना, इस पर जगह जगह पर आप देख सकते हैं प्लास्टर है, मगर बहुत रेमनेंट्स ऑफ द प्लास्टर्स आर विजिबल, अब तो कुछ बचा नहीं है, सब कुछ निकल गया। हाँ नहीं बरवाड़ी राजवंशदवर्ग मात्र बेकंत नावेल दुड्डु कलेक्ट माँ ना गणेश रेडी साक्षरकाल ओह बंद राजवंशदवर्ग मात्र पूजे स्थल सर गणेश गणेश ओके चलो यहाँ पर सिर्फ रॉयल लोगों का अलाउ था, तो हम क्यों जा रहे हैं, हम रॉयल तो है। ये है कडले कालू गणेश, मिमिक्री कर रहा है, तो किसकी मिमिक्री कर रहा है उसका मालूम नहीं है, है? लेकिन वो बोल दे कि हम घर छोड़ के भाग जाएंगे, है? है? अब्बा डब्बा जब्बा अब्बा डब्बा जब्बा हाँ। कि आपके घर में चिंटू है, ये देखो कुछ बजा रहा है यार, डफली बजा रहा है, डफली कि आपके घर में चिंटू है, नहीं है मैं उनको हो जाओ दो तीन कर लेंगे ये देख डफली बजा रहा है, ऋषि कपूर रह रहे थे, हाँ इसी पे से इंस्पायर हुई शायद वो सरगम मूवी, डफली बजा। उसके बाद ये देखे तो हेमा मालिनी चालू करी दोबारा करते हैं, मस्त है यार, देख सभी डांसिंग पोजेस में है, अरे कालिया मर्दन है, पता नहीं लग तो रहा है, हनुमान है। इस वन ऑफ द स्टैचूज ऑफ लॉर्ड गणेशा, और एक दंत आए हैं, हाँ एक टूटा हुआ है ना दांत, वो तो वैसे ही बनाते हैं, मगर जो पेट का भाग है ना वो खंडित किया हुआ है, ये तो और बड़ा होगा वो, है ना। तुझे ये पसंद आया वो सासी कालू गणेश पसंद आया, क्योंकि हम तो विदेश भक्त हैं भाई, हाँ वो सब पसंद आता है। अच्छा ये मूर्ति अच्छी है, वो मूर्ति अच्छी है, दोनों मूर्ति अच्छी, दोनों गणपति की है, तो इसमें कोई कॉम्पिटिशन का बात नहीं है, लेकिन देखा जाए तो वो जो है वो स्कल्पचरली ज़्यादा सुपीरियर है ना, वो देखने में थोड़ा दिखता है कि ऐसा स्ट्रक्चर है, इंस्क्रिप्शन हले कन्नड़ा इंस्क्रिप्शन है, मगर बहुत ही ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में है ना। लोग इसकी पूजा करते हैं, तेल कहाँ से लगाए, अगर तेल लग जाएगा ना तो इंस्क्रिप्शन का, इंस्क्रिप्शन को हानि होगी, तुझे क्या लगता है, डस्ट बैठेगा वो, फिर उसमें वो कवर हो जाएगा, कवर हो जाएगा, या फिर पता नहीं वो पॉलिश थोड़ा सा चले डाला है इसमें पानी, या किसी ने इसको शनि सिंगनापुर वाला शनि का मूर्ति समझा हुआ है, तो तेल डाला होगा तो उन्होंने बंद करा दिया होगा, ये इंस्क्रिप्शन की, ये इंस्क्रिप्शन की सेवा होनी चाहिए एएसआई की तरफ से, है ना, सब जगह डालना पड़ेगा, वो तेल जाएगा इनका इनका तेल जाएगा, तो एएसआई वाले काम ठीक कर रहे हैं यार, मगर मुझे लगता है अभी भी बहुत जगह अभी भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, डेवलपमेंट की जरूरत है, बट नॉट बैड ठीक है, मगर स्ट्रिक्ट भी है,
कहीं कहीं इस्तेमाल नहीं करने देते कैमरा, कहीं करने देते हैं, कहीं चप्पल निकालनी पड़ती है, कहीं नहीं निकालनी पड़ती। चलो वो तो आस्था का विषय है राकेश। हाँ वो उनकी आस्था, ये सब वाले भी कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में, वो भी वो तो ठीक है। ಇದು ಜೈನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ? ಹೌದು. ಒಳಗೆ ಏನು ಮೂರ್ತಿ ಇಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿಂದ ಸ್ತಂಭ ಆವಾಗಿಂದಲ್ಲ. ವಾವ್ ನೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ದಿರೋದಾರಲ್ಲ. This giant temple complex dedicated to Kunthunatha, the 17th Tirthankara of the Jain faith, was built by Iruka, commander in chief of Hariyara II, and consecrated in 1386. So around 700 years old. Protected monument, one of the few giant temples in Hampi. हिप्पी आइलैंड पूरा बंद हो गया। हाँ बंद हो गया। हाँ वो पहले था शायद बहुत फेमस, गोवा जैसा था। हाँ मिनी गोवा, मगर इधर कर्नाटका में नहीं चलेगा वो। वो गांजा चरस ड्रग्स होता था ना उधर, 10 महीना चालू हो गया ना। हाँ, मतलब जोर से ज्यादा पीने लग गया था। हाँ इसलिए पुलिस ने रेड मार के पूरे के पूरे 30 रिजॉर्ट थे वहाँ पे। हाँ 30 के 30 रिजॉर्ट को सीज कर दिया, बंद हो गया। अब हिप्पी आइलैंड टोटली सीज है, कुछ कोई कुछ नहीं है वहाँ पे, कुछ नहीं है। ओके ओके ओके। अल्लिंद हमको तुम्बा डाउन आगे सर, ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸರ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಹಿಪ್ಪಿ ಐಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್, ಫುಲ್ಲು ಫೇಮಸ್ ಸರ್ ಅದು ಹಿಪ್ಪಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ। तो जब से बंद हुआ है तब से फॉरेनर्स कम हो गए। ಬಹಳ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು, ಅದ್ರಾಗ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಒಂದು ಬಂತಲ್ಲ ಸರ್, ಅವಾಗ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಸರ್। ಓಕೆ ಹಾಂ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದಲ್ವಾ ರಘುನಾಥ ಮಾಳವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವಂತ ಸ್ಥಳ ಸರ್ ಅದು। ರಾಮ ಸೀತೆಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು 4 ತಿಂಗಳು ವಾಸ ಮಾಡಿರುವಂತ ಮಾಲ್ಯವಂತ, ಅದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮ ಸೀತೆಗೋಸ್ಕರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಂತ 4 ತಿಂಗಳು ಧ್ಯಾನದ 4 ತಿಂಗಳು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ। ಇಲ್ಲಿಂದ ಹನುಮಾನು ಲಂಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೀತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ರಾಮನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶಬರಿ ಆಶ್ರಮಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಪ್ರಯಾಣ ಚಾಲು ಆಗುತ್ತೆ। ओके सो एक्चुअली सीता की खोज यहीं से शुरू हुई थी। हाँ एक्चुअल खोज बता रहे हैं ना कि 50% जो रामायण है ना एक्चुअली यहीं पे गठित हुई है। ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಪ್ರತಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕುಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆ, ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹನುಮಾನ್ ಸರ್ ಬೈಠಿವಿ ಮೂರ್ತಿ ಸರ್, ಇದು ಪದ್ಮಭೂಷಣದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕುಂತಿರುವಂತ ಸ್ಥಳ ಸರ್। ನಮ್ಮ ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ 3 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುವಂತ ಸ್ಥಳ ಸರ್, ಒಂದು ಮಾಳುವಂತ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಟೆಂಪಲ್, ಉದ್ದನ ವೀರಭದ್ರ ಟೆಂಪಲ್, ಈ 3 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಡೆಯುವಂತ ಪೂಜೆ ಸರ್। ಈ ಮಾಳುವಂತ ಬಂದು ಸರ್ 24 hours ಪೂಜೆ ನಡೀಲೇಬೇಕು ಸರ್, 24 hours ಶಿಫ್ಟ್ ವೈಸ್ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 ಲಿಂದ ಈವ್ನಿಂಗ್ 6 ವರೆಗೆ ಒಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಸರ್, ಈವ್ನಿಂಗ್ 6 ಲಿಂದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 ವರೆಗೆ ಒಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಸರ್, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಪೂಜೆ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್। ಹೌದಾ? ಹಾಂ ಸರ್। ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಊಟ ಹೋಟೆಲ್, ಟ್ಯಾಮರಿಂಡ್ ಟ್ರೀ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್। तो अभी हम लोग आए हैं टैमरिन ट्री रेस्टोरेंट दोपहर का खाना खाने के लिए, और आई हैव हर्ड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन हम्पी। अच्छा अच्छा खासा मेन्यू है यार यहाँ का, रिजॉर्ट है। हाँ रिजॉर्ट है, यानी यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, रूम भी ले सकते हैं। ये देखिए जो नॉर्मल रेट्स हैं यहाँ के, ठीक ठाक रेट्स हैं यार, थोड़े से अपर एज पे है, ठीक है। यहाँ पर आपको रेंज है राकेश, नॉन वेज नहीं, नॉन वेज तो नहीं मिलेगा, वेज साउथ और नॉर्थ इंडियन थाली मिल जाएगी। स्पेशल चीज़ तो यहाँ पे ये है, हमस है। ओके तो यहाँ पे अरेबिक डिशेस, मिडिल ईस्टर्न डिशेस भी है, जैन डिशेस भी है। तो टैमरिन ट्री इज़ वन ऑफ द गुड प्लेसेस टू ईट इन हम्पी। तो अगर आप आ रहे हैं तो आइए, हम तो यहाँ पर लंच कर रहे हैं, अब पता नहीं डिनर जहाँ पर भी होगा हम अपडेट करेंगे, थाली आने के बाद आपको दिखाऊंगा।
सो आ गई अपनी थाली, कैसी है? वो तो खाने के बाद देखना पड़ेगा। अच्छी यार, सफिशिएंट है। सफिशिएंट है तो क्या क्या है यार? एक रोटी है, रोटी है आपकी, एक दाल है, राइस है, पापड़ है, एक पनीर है, ये गोभी की सब्जी है, पनीर है, दाल है, एक स्वीट है, और ये अचार है। ठीक है, अच्छी है थाली। हाँ, खा के देखते हैं कैसी है, खा के देखते हैं। रोटी तो अच्छी है ना, रोटी और टेक्सचर भी अच्छा है। अच्छा लगा यार खाना, यहाँ पर पनीर ट्राई करते हैं। स्मोकी फ्लेवर है पनीर में, तो पनीर शायद पहले बारबेक्यू किया था। बस आगे देखो।